अस्सलाम वालेकुम, आप सब आई होप ठीक होंगे। अभी तक हम लोग रिसर्च प्रोडक्ट रिसर्च पर डिफरेंट वे से स्टेप बाय स्टेप चल के अपनी वर्किंग को कर चुके हैं प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, सूटेबल प्रोडक्ट को इन अ सूटेबल मार्केट। सो अभी अभी तक हम लोगों ने जो मैनुअल रिसर्च को देखा और उससे कुछ आइडियाज जनरेट हो जाते हैं, आपकी एक माइंड माइंड और आपका जो प्रोसेस है, आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो हेल्प करने लगती है आपकी प्रोडक्ट के रिसर्च में और उस रिसर्च को फर्दर फिल्टर करने में। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको थोड़ा सा रिपीट करें ताकि हम अपने एक सीक्वेंस को कंटिन्यू कर सकें, तो इन इन आप क्योंकि सब न्यूबीज हैं, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि हम लोग अपनी एक एक माइंड मैपिंग करते, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि क्या क्या मार्केट प्लेसेस हैं, वहां पर क्या क्या कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज में किस तरीके से काम हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैनुअल तरीके से रिसर्च की और मैनुअल तरीके से रिसर्च करने में जो हमारे सबसे मेजर फैक्टर्स थे जो हम लोगों ने उस वक्त देखे, उनमें थे कि हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम लोग ऐसी प्रोडक्ट्स को उठाएं जिसका BSR जो है वो लेस देन। ये सब मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो सकें। ये सिर्फ रिपीट करने का मतलब ये है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड क्लियर हो सके ताकि जब हम टूल्स पर आते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन्स ना हो। कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसको हमने बेसिक अपने माइंड में बिठाना है, तो वो बेसिक क्राइटेरिया आप अपने माइंड में बिठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च करेंगे और इन द एंड जैसे ही हमारी ये रिसर्च प्रोसेस एंड होगा तो मैं एक क्राइटेरिया आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जिस क्राइटेरिया को हमने ओवरऑल फाइनल प्रोसेस के लिए यूज करना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने मैनुअल रिसर्च में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो BSR है, अभी हम क्योंकि अमेरिका के अकॉर्डिंग करें बिकॉज इट्स अ जर्नल मार्केट, बाकी आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या फर्क है मिडल में और न्यू मार्केट्स में और आप अपनी रिसर्च को किस तरीके से उन मार्केट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और फर्दर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो BSR लेस जो है वो आपका मतलब आपका 100K ऑलमोस्ट 100 और 100 से 10,000 के बीच में होना चाहिए था। ठीक है, और हमने देखा जब हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम लोग रिव्यू काउंट जो है हम लोग अपनी प्रोडक्ट को जो फिल्टर करें तो उसकी जो रिव्यू काउंट है एटलीस्ट उसका जो रिव्यू काउंट है वो 500 तक उसके रिव्यूज हो उस प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल 500 या उससे लेस उसके रिव्यूज हो। ठीक है, बट जब हम उस प्रोडक्ट के कीवर्ड को रिसर्च करें, जैसा कि हमने फर्दर आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने Helium-10 से इन चीजों को किया था, तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की उस प्रोडक्ट को फर्दर हम लोगों ने अगर जब उसके कीवर्ड पे रिसर्च करेंगे तो हमें अपने फ्रंट पेज पर जो कि मेन पेज है वहां पर एटलीस्ट 3 ऐसे सेलर जो जिनका जो रिव्यूज है वो लेस देन 50 हो। ठीक है, मतलब फ्रंट पेज पर एटलीस्ट 3 सेलर के रिव्यूज लेस देन 50 हो, ताकि फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट उठाई 500 रिव्यूज की या उससे कम की। ठीक है, और उस प्रोडक्ट के जो कीवर्ड है डेफिनेटली डिफरेंट कीवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट फ्रंट पेज पर एटलीस्ट 3 सेलर ऐसे हो जिनके रिव्यूज लेस देन 50 हो। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। सर्च वॉल्यूम आपका ये सारा कुछ हम लोग पीछे, अब मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा फिल्टर कर रही हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों के क्लियर करने के लिए, ताकि मजीद जब हम आगे रिसर्च कर रहे हैं तो आपको चीजें कंफ्यूज ना करें, ये सारा क्राइटेरिया आपके माइंड में रहे और फर्दर हम इन चीजों पर आगे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सर्च वॉल्यूम जो है हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि हम लोगों ने गूगल ट्रेंड से भी देखा था, कीवर्ड से भी हम लोगों ने डिफरेंट आइडियाज लिए थे, अमेजोन पर भी हम लोगों ने सर्च वॉल्यूम को देखा, Helium-10 भी हमें इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो सर्च वॉल्यूम है वो एटलीस्ट मतलब 5,000 से कम नहीं होना चाहिए, बट रिकमेंडेड है कि हमारा इससे अप सर्च वॉल्यूम जाए तो अप टू 10,000 को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बट 5,000 से कम सर्च वॉल्यूम को आप कंसिडर ना करें। ठीक है, और ये मैं अमेजोन के सर्च वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। ठीक है, समहाउ वी कैन कंसिडर अगेंस्ट गूगल, क्योंकि गूगल में हम लोगों को अमेजोन का सर्च वॉल्यूम अलग होगा
और गूगल का एक अलग होता है. गूगल को देख, हम गूगल के सर्च वॉल्यूम को मोस्टली हम तब देख रहे होते हैं कि हम लोग उस चीज की एक्यूरेट डिमांड जब डिफाइन करना चाह रहे होते हैं, या उसके एक्यूरेट डिमांड देखना चाह रहे होते हैं कि अमेजोन से बाहर भी क्या उस चीज की कोई डिमांड है या नहीं है. कल को हम अगर अपनी ब्रांड लॉन्च करते हैं तो क्या अमेजोन के अलावा भी हमें अप्रोच करेंगे, क्या अमेजोन से बाहर भी लोग हमें गूगल पर सर्च करके अप्रोच करेंगे. ठीक है, सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स वी नीड टू कंसिडर, बट इट्स जस्ट अ बेसिक क्राइटेरिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग की और फिर हम लोगों ने हीलियम 10 के थ्रू हम लोगों ने डिग इन किया इन अ कैटेगरीज और देन हम लोगों ने उसको डिटेल में प्रोडक्ट रिसर्च किया. आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है, हम लोग हीलियम 10 पे इन डेप्थ रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको बहुत बहुत डिटेल में मैं ये चीज समझा चुकी हूँ कि आपने किस माइंडसेट से जाना है. कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की अब जैसे आप जब इस माइंड देखें, आपकी मर्जी है अगर आप कहीं से भी प्रोडक्ट उठाना चाहें, ये आपकी मर्जी है. ठीक है, बट आपके पास जब प्रोडक्ट आइडियाज होते हैं तो उन प्रोडक्ट आइडियाज को लेकर आप मजीद रिसर्च करते हैं, और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आइडिया नहीं होते तो आप उस आइडिया को जनरेट करने की कोशिश करते हैं. बट हमें हम क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे काम करें, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने नॉलेज को बढ़ाएं कि पाकिस्तान में किस किस कैटेगरीज पे काम हो रहा है. उसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें, थोड़ा रिसर्च करें किस तरह की प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है. तो उन सब के अकॉर्डिंग उनके उनको माइंड में रखते हुए आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आप काम करना आसान होगा. तो आपने इस माइंडसेट से काम करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, आपके पास प्रोडक्ट लाइंस हैं, उनको आपने देखना है कि उन प्रोडक्ट के लिए आपको किस कैसे अपनी स्पेस बनानी है. आपने ऐसी कौन सी प्रोडक्ट या आपने ऐसे कौन से कीवर्ड के थ्रू मार्केट में एंटर होना है कि आप अपनी स्पेस बना सकें, अपने लिए जगह बना सकें. लेकिन आपको ये भी देखना है कि उस जगह बना क्या आप किसी ऐसी मार्केट में जगह बनाने जा रहे हैं कहाँ, जहां पर उस चीज की या उस प्रोडक्ट की कोई डिमांड भी है. तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने हैं कि आपकी प्रोडक्ट की कोई डिमांड है, क्या आपकी प्रोडक्ट को कोई बाय भी करेगा या नहीं करेगा. उसके लिए हम लोग सर्च वॉल्यूम भी देखते हैं, उसके डिमांड फैक्टर्स को भी देखते हैं, और फिर इन सब चीजों को हम लोगों ने इन डेप्थ रिसर्च किया मैनुअल भी और हीलियम 10 से भी. आज हम जिस चीज पर रिसर्च करेंगे, इन्हीं सब चीजों को हम लोग वायरल लॉन्च के थ्रू, वायरल लॉन्च पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे. देखें व्हाई वी यूज द वायरल लॉन्च, एक जनरल रीजन है और एक स्पेसिफिक रीजन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हम लोग इसको हम लोग हीलियम 10 पे बहुत डिटेल में मैं रिसर्च कर चुकी हूँ. दैट एरिया इज ऑलरेडी कंप्लीटेड कि किस तरह से आप हीलियम 10 के थ्रू आप रिसर्च कर सकते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस क्राइटेरिया को, जो कि अभी मैंने आपको रिपीट भी किया है, और इसमें कुछ और चीजें वैल्यू ऐड हो जाएंगी इसके बाद जैसे हम वायरल लॉन्च यूज करेंगे. अब बात ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने हीलियम 10 को यूज किया और हीलियम 10 को यूज करके आपने रिसर्च की, बट एक बात आप याद रखें कि हर टूल की जो रिजल्ट है वो एक्यूरेसी नहीं है. ठीक है, समहाउ अप्स एंड डाउन्स उसमें पॉसिबल है. तो हमें क्या करना है, इट वुड बी बेटर कि हम अगर एक चीज को रिसर्च कर रहे हैं तो हमने अगर हीलियम 10 पे किया है तो उसको हम वैलिडेट करें किसी अनदर टूल से. ये तो एक इसका जनरल रीजन है. ठीक है, और उसके लिए वायरल लॉन्च रिकमेंडेड है कि हमने जो हीलियम 10 से रिसर्च की उसको वायरल लॉन्च से हम लोग वैलिडेट कर लें, ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हीलियम 10 से रिसर्च कर रहे हैं, वहां का सर्च वॉल्यूम हमें 5000 या उससे प्लस नजर आ रहा है, तो हम दूसरे टूल में भी एक्यूरेट शायद वो ना हो लेकिन उसके करीब होना चाहिए. ठीक है, तब हमें ये चीज वेरीफाई हो जाएगी कि ये रिजल्ट जो है वो हम इस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, सम हो दोनों टूल्स के जो सर्च वॉल्यूम है करीब है. अगर उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हमें हम उसको कंसिडर एक नहीं करेंगे, उसको मजीद वेरीफाई करेंगे या मजीद चेक करेंगे कि अगर इसमें इतना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है वायरल लॉन्च में और रिजल्ट आ रहा है हीलियम 10 में और रिजल्ट आ रहा है, तो देन हम उस प्रोडक्ट के ऊपर डाउट में आ जाएंगे और हमें हम उसको अगर आप करना चाहेंगे काम तो उसको मजीद रिसर्च करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और अगर आपके रिजल्ट्स नियर होंगे तो हम उस चीज को कंसिडर कर लेंगे. एक रीजन तो ये है वायरल लॉन्च को मजीद यूज करने का. सेकेंड रीजन जो है, अभी ए फर्स्ट लेक्चर जो कि डिग इन टू कैटेगरी, ये हम जनरल रीजन पे बात करेंगे,
और वायरल लॉन्च का जो सेकेंड लेक्चर होगा रिसर्च का, उसमें हम एक स्पेसिफिक रीजन पे बात करेंगे जो कि हम क्यों वायरल लॉन्च यूज करते हैं. बेसिकली इन अ स्पेसिफिक वे वायरल लॉन्च को हम बेसिक रिसर्च के लिए भी यूज करेंगे, लेकिन स्पेशली वायरल लॉन्च को हम मार्केट इंटेलिजेंस के लिए यूज करते हैं. ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डिफरेंस बता रही हूँ कि एक रीजन तो ये है कि हमने हीलियम 10 से जो डाटा किया उसको हम वैलिडेट कर सके, और सेकेंड रीजन ये है कि हमने वायरल लॉन्च के थ्रू मार्केट इंटेलिजेंस करनी है, और हम जिस प्रोसेस से रिसर्च करेंगे वो उसमें उससे हमें ये हेल्प होगी कि जिस तरीके से हीलियम 10 के थ्रू हम लोग रिसर्च करके आ रहे हैं, वायरल लॉन्च का रिसर्च का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा. इसमें हमें डायरेक्ट अपनी कीवर्ड के थ्रू हम लोग ये फाइंड कर पाएंगे कि हमें किस मार्केट में काम करना है. हमारे सामने मार्केट खुलकर आ जाएगी और हम उसमें किस तरह से जगह बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप यूएसए, अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है और आप उसी को लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए यूएस को पे चेक करेंगे, यूके पे चेक करेंगे, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे चेक करेंगे. जहां पर आपका क्राइटेरिया फिट होता हुआ नजर आएगा, आप अपनी उस मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं. डेफिनेटली आप यूएसए में भी लॉन्च कर सकते हैं. हम वायरल लॉन्च से जब रिसर्च करेंगे, उससे ये होगा कि हम ये डिसाइड कर पाएंगे इजिली कि हमने किस मार्केट में एंटर होना है और किस क्राइटेरिया, और हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्ट वो प्रोडक्ट्स कीवर्ड के थ्रू मिल जाएंगी. ठीक है, पहले हम क्या करते थे, प्रोडक्ट रिसर्च करते थे, उसकी मजीद कीवर्ड रिसर्च करते थे, फिर कुछ आइडियाज जनरेट होते थे और उसको वैलिडेट करते थे. वायरल लॉन्च हमें ये बताएगा कि हाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया हमें मार्केट चूज करनी है. ठीक है, यानी हम उन्हीं प्रोडक्ट या कीवर्ड्स को उठाएंगे जो हमारे क्राइटेरिया पर फुलफिल होती होंगी और उस मार्केट में हम काम करेंगे. ठीक है, बट इन अ फर्स्ट स्टेप हमें जनरली वायरल लॉन्च को देखना है. हमें वी नीड टू डिग इन टू द कैटेगरी एंड वायरल लॉन्च. वायरल लॉन्च के अंदर भी हम लोग जो है अपनी कैटेगरीज को एक्सप्लोर करके अपने बेसिक क्राइटेरिया के थ्रू प्रोडक्ट आइडियाज ले सकते हैं, और हम लोग अपने प्रोडक्ट आइडियाज के थ्रू मजीद रिसर्च कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसके लिए आते हैं वायरल लॉन्च को आप एक्सप्लोर कीजिएगा. इट्स अ पेड टूल, यू यू नीड टू बाय दिस टूल. अच्छा, अब वायरल लॉन्च में जब हम आते हैं तो यहाँ आप प्रोडक्ट डिस्कवरी पर आएंगे. ठीक है, अब यह जब आप प्रोडक्ट डिस्कवरी पर आते हैं तो यहाँ पर आप हम इन सब चीजों को बहुत डिटेल में हीलियम 10 के साथ डिस्कस करके आ चुके हैं. आई होप अब आपका माइंडसेट इन सब छोटी छोटी चीजों पे क्लियर हो चुका होगा. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी रिसर्च पे काम करना है. हम अभी अपनी वायरल लॉन्च पर देखें. जैसे हीलियम 10 पर हमने बेसिक रिसर्च की थी, ऐसे ही बेसिक रिसर्च हम वायरल लॉन्च पर भी कर सकते हैं. उससे हमें डिफरेंट आइडियाज भी मिलेंगे. अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया हम लोग डिग डाउन करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज को डिग डाउन करके हम लोग अपनी प्रोडक्ट के आइडियाज लेंगे, और उन प्रोडक्ट को मजीद हम लोग सर्च करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड. अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आप लोगों को भी मेरी इन लेक्चर से काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान में हम किन किन कैटेगरीज की प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम लोगों ने प्रोडक्ट डिस्कवरी पर आना है. अब आप लोग प्रोडक्ट को डिस्कवर करना चाहते हैं, हम इन सब कैटेगरीज में डिग इन करना चाहते हैं टू एक्सप्लोर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आई नो वेरी वेल कि पाकिस्तान में कौन कौन सी कैटेगरीज पे मैं काम कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं उन कैटेगरीज को चूज कर लेती हूँ. ठीक है, हम लोग उन कैटेगरीज को चूज कर लेंगे. मैंने कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज को मैंने चूज कर लिया, तो हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे. अब आपने क्या करना है, मुझे चाहिए प्राइस. ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि आपकी मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा और फिल्टर कर लेते हैं, या एटलीस्ट अगर आपने फिल्टर करना है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. अगर आप बहुत बड़ी प्राइजेस पे नहीं जाना चाहते या आपके ज्यादा बजट नहीं है, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस 80 कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, बट मैं इसको अभी नहीं करूंगी बिकॉज मुझे अभी मैक्सिमम आइडियाज चाहिए,
और फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पर भी जा सकते हैं, इट डिपेंड्स। अगर आप नहीं जाना चाहते, आप इसको लिमिटेड कर सकते हैं ताकि आप अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग काम कर सकें, ठीक है। डेफिनेटली जितनी महंगी प्रोडक्ट होगी उसकी परचेज प्राइस भी उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल प्रोडक्ट्स के, ठीक है। और रिव्यू काउंट को आपने आपका जो मैक्सिमम, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हमें मैक्सिमम रिव्यू काउंट जो है वो 500 तक, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग कैटेगरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्योंकि कैटेगरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आइडियाज चाहिए, तो हमारा जो रिव्यू काउंट है वो मैक्सिमम 500 होना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ वो प्रोडक्ट्स दिखाई जाएं जिनके रिव्यूज 500 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा के नहीं, ठीक है। बाकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग जिस चीज़ पे थोड़ा और फिल्टर ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ कि हमें, देखिए आप अगर और प्रोडक्ट आइडियाज चाहते होंगे, ठीक है, तो आप BSR का फिल्टर ना भी लगाएं तो ये चलेगा, ठीक है। बट अगर आप और फिल्ट्रेशन चाहिए, आपको बड़ी स्पेसिफिक आपको रिसर्च चाहिए, तो आप यहाँ पर BSR पे, क्योंकि हम US मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आप BSR उसका 10,000 सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये फिल्टर हम लोगों ने अप्लाई कर लिए, ठीक है। और हम अभी प्रोडक्ट आइडियाज ले रहे हैं, वी जस्ट डूइंग द प्रोडक्ट डिस्कवरी। तो आप क्या करेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे स्टार्ट, ठीक है। दे ऑलरेडी शोइंग योर प्रोडक्ट्स, यू कैन सी। अब हमने इसके ऊपर फिल्ट्रेशन ऐड कर दी है, और उस फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास जो है, जो कि प्रॉपर रिजल्ट आ जाएंगे। अभी इसको बंद करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो हमने कैटेगरीज को सिलेक्ट किया है, उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट आइडियाज आ चुके हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर फिल्टर प्रोसेस। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हम इन कैटेगरीज को इन डेप्थ मजीद रिसर्च करेंगे, और ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि हमारे हमारे क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं। मैं बार बार हर चीज़ को और क्राइटेरिया को बार बार रिपीटिंग करना चाहती, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें एक बार रिपीट की हैं। आपने अपनी इन प्रोडक्ट्स को अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेक करना है, और हम ताकि हम उस पर फर्दर वर्किंग कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी थोड़ा सा डिक डाउन करके कुछ प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उन चीज़ों से रिलेटेड बेटर हो सके, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ठीक है। मंथली सेल इसकी 2K और ऑलमोस्ट है मंथ 2K यूनिट्स। मंथली रेवेन्यू जो है 18.4K है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी उन्होंने मेंशन किया है। प्राइस रेंज भी आप देख रहे हैं, रिव्यू काउंट इसका 90 है जस्ट, ठीक है। बट इसकी जो प्राइस रेंज है, इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री, बिकॉज इसकी जो प्राइस रेंज है वो 9 तक है, और हम लोग क्योंकि ऑलमोस्ट $14 या उससे प्लस की जो प्रोडक्ट्स है वो देखना चाह रहे हैं, या $15 की, ठीक है। ओके, इनकी हमें अभी स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, हम आगे चलते हैं। नो, दे शोइंग द कंप्लीट स्टैट्स, मंथली रेवेन्यू और प्राइस शो नहीं हो रही, आई डोंट नो व्हाई, उनकी भी नहीं हो रही है। अच्छा है, यहाँ पर हमारे पास 272 रिव्यू काउंट आ रहा है, ठीक है। मंथली सेल 971 है, BSR ये है, प्राइस इसकी ये है, ठीक है। हम इसको इस कीवर्ड इसको अपने अमेजोन पे मजीद एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट है किचन एंड डाइनिंग, ठीक है, और इसकी BSR भी मेंशन है। अच्छा, इसकी हमें ये डिटेल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम इस चीज़ को देखते हैं, इट्स माई ब्यूटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, क्या है इसका, ये क्यों मेंशन नहीं है, आई डोंट नो, पर इसको पहले देख लेते हैं। बेसिक चीज़ है आपकी अंडरस्टैंडिंग, हम इन चीज़ों को चेक कर लेते हैं कि कैसे ये वर्क करें। अब अभी हम क्योंकि प्रोडक्ट आइडियाज़ ले रहे हैं, अभी हम कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कीवर्ड के अकॉर्डिंग मार्केट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हैं कि
हम इस प्रोडक्ट को चेक करें तो आप तो जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर देखें जो फिल्ट्रेशन में लगा चुकी हूँ उस फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया पे को फुलफिल करती है, लेकिन इसको हम लोग जर्नल भी अगर वेरीफाई मैं करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा जर्नल वेरिफिकेशन इसकी कर लेती हूँ अपने क्राइटेरिया को फुलफिल हो रहा है हमारा क्राइटेरिया या नहीं। तो मेजर की बॉयज लीड ऑफ बेसबॉल कीवर्ड को जरा चेक करते हैं हम। एक बार तो जनरल हम लोग थोड़ा सा इसका रेवेन्यू देख लेते हैं और उसकी थोड़ी सी जर्नल चेक कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा हम लोग मैनुअली भी देख लेंगे। देखिए अभी इस कीवर्ड के अगेंस्ट क्या सिचुएशन चल रही है, मंथली रेवेन्यू काउंट आप देख सकते हैं, रेवेन्यू इसका अच्छा है ठीक है, और ये इस जो ऑल दो इट्स अ कंपेरेटिव नेस्ट बट वी आर जस्ट एक्सप्लोर द कैटेगरी तो देखने में कोई फर्ज नहीं है, इसी से हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, हम लोग आइडियाज लेंगे कि कहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, किस जगह पर हमें कैसे काम करना है। तो ये हमें क्या है कि मतलब इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमें मंथली रेवेन्यू का एक चार्ट नजर आ रहा है जो कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारा हमें, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि यहाँ पर ब्रांड डोमिनेशन है। यस 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 वी कांट कंसिडर दिस प्रोडक्ट बिकॉज एक ही ब्रांड जो है वो इस पेज पर डोमिनेंट है, इस कीवर्ड पर डोमिनेंट है, तो हम हमारे लिए मुश्किल होगा यहाँ पर जगह बनाना ठीक है। अब ऑल्दो यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हमें नजर आ रहे होंगे कीवर्ड, बट मुझे क्या चीज़ जो इससे बचने के लिए या इस प्रोडक्ट पे हम ना जाएं, उसका एक रीज़न ये है कि एक प्रोडक्ट जो है एक एक ब्रांड जो है वो डोमिनेंट है इस कीवर्ड पर ठीक है। सो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। देखिए अंडर आर्मोर इट्स अ ब्रांड जो कि कम्प्लीटली डोमिनेंट है, मोर देन 3 to 4 times जो है ये पेज पर आ रही है, तो हम इस प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे ठीक है। सो ये फैक्टर्स भी आपने देखने हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, आप जिस प्रोडक्ट पे भी काम करें तो आपने देखना है उस कीवर्ड और उस प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो उस पे कोई ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, वरना वो ब्रांड्स इतने ऑथेंटिक ब्रांड्स बन चुके होते हैं कि उसको कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है ठीक है। अब यहाँ हम आते हैं इसको चेक करते हैं, वी नीड टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। अच्छा अब यहाँ क्या सिचुएशन चल रही है, आई डोंट नो व्हाट्स द सिचुएशन, सो हम ये देख लें कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट चल क्या रहा है। जैसे कि हमने पहले देखा तो हमें देख के आइडिया हो गया कि ब्रांड डोमिनेंसी चल रही थी, तो उसको तो स्ट्रेट आपने नो कर देना ठीक है। अब यहाँ हम लोग मजीद इसको भी देखते हैं,
इसमें एक ही रिजल्ट छोड़ रहा है फिर। हाँ अभी हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते नहीं जा रहे, अभी हम लोग सॉरी इसका कीवर्ड रिसर्च करते जाना था हम लोग को। खैर अभी जो इस प्रोडक्ट को हम देखते हैं डिटेल, दिस प्रोडक्ट इज टूल है क्या है। खैर अभी पहले इसको चेक करते हैं। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट को जब आप देखना के कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसको वेरीफाई आप एक दफ़ा कर लें उसके कीवर्ड को मज़ीद रिसर्च करके कि उसके कीवर्ड के अगेंस्ट क्या पोजीशन है, तो हम लोग जनरल क्राइटेरिया के थ्रू उसको मज़ीद रिसर्च कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रांड है इसकी डोमिनेशन है, ठीक है, इस कीवर्ड पर। सो इसको भी हम लोग अभी कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज इनको कम्पीट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस ऐसी ही किसी कोई प्रोडक्ट है आपकी, आप मैन्युफैक्चरर है फॉर एग्जाम्पल, और आप ऐसी ही प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप क्या करेंगे। अगर US मार्केट आपको बहुत इम्पॉसिबल लग रही है, हर जगह पर ब्रांड डोमिनेंसी है, तो यहाँ पर आप जाएंगे और अपनी आप इसी वे को, इसी प्रोसेस को इन डिफरेंट मार्केट्स पे चेक करेंगे। आप यूनाइटेड किंगडम की सिचुएशन देखेंगे, जर्मनी की देखेंगे, कनाडा की देखेंगे, जहां पर आपको सब क्राइटेरिया आपका फुलफिल होता नजर आ रहा है, ब्रांड डोमिनेंसी नजर नहीं आ रही है, हमारा जो मेजर क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है, तो हम उस मार्केट प्लेस में लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी ये रिसर्च हमें ये आइडिया दे देगी कि हम लोग किस तरीके से जा सकते हैं। इस कैटेगरी पे भी हम लोग नहीं जाते, लाइक हम लोग कुछ और आइडियाज लेते हैं। इसको चेक करते हैं उसका सिचुएशन एक्चुअली। डेफिनेटली इट्स हार्ड टू रिसर्च अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर यू बिकॉज पाकिस्तान में और डेफिनेटली अभी चाइना के निस्बत वेरिएशन कम है, प्रोडक्ट की वैरायटी कम है। तो आप अगर किसी चीज़ पर काम करें तो आपने उसकी देखना है कि आप कंपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिमांड है या नहीं है, और फिर उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप उस चीज़ पर काम करना चाहते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ पर कुछ कर ही नहीं सकते, आप ऐसी मार्केट प्लेस में लॉन्च कर सकते हैं जहाँ पर आपकी जगह बन सकती है, जहाँ पर आप इजिली एंटर हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। अभी क्योंकि हम वायरल लॉन्च पे रिसर्च कर रहे हैं तो मैं अभी 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 आपको कंफ्यूज नहीं कर रही कि मैं इसको वेरीफाई करूँ हीलियम 10 से भी। हीलियम 10 को हम ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं, बट आप अगर कोई भी चीज़ को फाइनल करेंगे तो आप उसको डिफरेंट ट्यूब्स पर फिर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पर भी मोर देन 3 times आपको एक ब्रांड नज़र आ रही है। ठीक है, ये ब्रांड जो है फर्स्ट पेज पर बहुत ज़्यादा है, सो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। बट स्टिल हम लोग इसमें क्योंकि और भी ब्रांड्स हैं, हम एक दफ़ा आई जस्ट वॉन्ट टू लुक ऑन दैट, अपने क्राइटेरिया को ज़रा चेक करते हैं कि एक ये चीज़ तो है इसमें कि ब्रांड जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती है, बट क्या इस फर्स्ट पेज पर स्टिल हमें कोई जगह थोड़ी बहुत मिल रही है।
ये भी वही ब्रांड है, और हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इस पेज पर हमें एटलीस्ट ऐसे 3 सेलर मिलते हैं जिसका जो रिव्यूज है वो 50 से कम है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या वो कोई और ब्रांड है, वो ये या वो यही ब्रांड है, ठीक है। तो अब इसके ये भी 50 से कम है, ये भी 50 से कम है, और ये भी 50 से कम है। अब इसमें क्या है, ये दोनों ही वो ब्रांड है जो कि समहाउ डोमिनेंट है, ठीक है। इसको अगर हम कंसिडर ना करें तो एक नंबर 1 ये और ब्रांड है और ये और ब्रांड है, 2 ये ऐसे ब्रांड हैं जो यहाँ पर 50 से कम रिव्यूज के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 हो गए, मजीद हम देखते हैं ये है ब्रांड जो कि 2 रिव्यूज के साथ है। चलो अगर हम इसको भी कंसिडर नहीं करते, मे बी इट्स न्यू, एड वगैरह वगैरह चेक करते हैं। खैर फिलहाल अगर ये हम इनको भी अगर कंसिडर नहीं करते, ये स्टार्ट में आप देखें कि ये जो स्पॉन्सर्ड एड वाले पार्ट होता है इसको आपने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये एड्स चल रहे होते हैं, हमने ऑर्गेनिक को अपनी रिसर्च में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो वही ब्रांड है जो कि डोमिनेंट है। उसके बाद हम देखते हैं एक हमें यहाँ पर हमें एक ऐसा मिला, ये 2 ऐसे मिले, ठीक है, जो कि 50 से कम रिव्यूज है फर्स्ट पेज पर। ये ब्रांड भी और है, ये ब्रांड भी और है, इट्स नॉट सैंड माइंड, ठीक है। और उसके बाद हम मजीद देखते हैं, इसको अभी मैं कंसिडर नहीं करती इन दोनों को, मजीद हम देखें क्योंकि ये दोनों सेम ब्रांड है और समहाउ मे बी इट्स न्यू, तो हम कुछ और ऑप्शंस भी देख लेते हैं, हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शंस होने चाहिए। अब ये है, ये भी वही ब्रांड है, ये भी वही ब्रांड है, ठीक है। अच्छा फर्ज करें हमारे पास अभी ऊपर 2 रिजल्ट आए थे, 2 थे ना, 1 और 2, ठीक है। तो थर्ड वन इज दिस, 50 से कम रिव्यूज है और ये कोई और ब्रांड है, ठीक है। 3 हो गए हमारे पास। अच्छा ये भी कोई और ब्रांड है, इसके भी 50 से कम रिव्यूज है, इसके 50 से कम रिव्यूज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ये स्पॉन्सर तो नहीं, तो हमें फर्स्ट पेज पर हमें ऐसी प्रोडक्ट्स 3 से ज्यादा मिल गई हैं, ठीक है, जो के 50 से, जो के लेस देन 50 रिव्यूज के साथ पहले पेज पर मौजूद है, ठीक है। इट मींस के देर हैज सम गैप जहां पर हम लोग इन प्रोडक्ट्स को या अपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च और प्रॉपर अपनी अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पर काम करके अपनी फर्स्ट पेज पर जगह बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी जब आप अपनी ये आपकी जब प्रोडक्ट रिसर्च हो जाएगी ना, तो उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपकी कीवर्ड रिसर्च, और फिर उस कीवर्ड रिसर्च के बाद उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग, कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग बहुत ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। तो फिर आप ऐसे कीवर्ड के साथ जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत डोमिनेंसी नजर आ रही है आपको किसी ब्रांड की, बट स्टिल आपको स्पेस भी नजर आ रही है, तो आप अपनी जगह उस पेज पर आप अपनी जगह फाइंड कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं, उस गैप को फिल कर सकते हैं। तो एक्चुअली आपने क्या करना है, फाइंड द होल्स इन द मार्केट, ठीक है। शेयरिंग विद यू कि मैंने Helium 10 में भी आपको इसी चीज पे फोकस करवाया कि वी नीड टू फाइंड द गैप इन द मार्केट, वी नीड टू फाइंड द होल्स इन द मार्केट। ऑन वायरल लॉन्च आई एम शेयरिंग द सेम क्राइटेरिया कि हमने उस जनरल क्राइटेरिया को अपने माइंड में बिठा लेना है, तो वो तो ठीक है, हमने बिठा लिया, ठीक है। अब मैंने एक बेसिक क्राइटेरिया के फिल्ट्रेशन लगाए और मैंने प्रोडक्ट आइडियाज लिए, उन प्रोडक्ट आइडियाज को मैंने डिफरेंट कैटेगरीज जो भी मुझे अवेलेबल हो सकती हैं पाकिस्तान से, मैंने उनको फिल्ट्रेशन पर लगाया और मैंने उन सारी प्रोडक्ट्स को निकाला जिनके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ, और उन प्रोडक्ट्स को मैंने मजीद रिसर्च किया वेरीफाई करने के लिए, मैंने मजीद देख लिया कि अगर मैं उस पर काम करती हूँ तो उसके उसके जो कीवर्ड है उसकी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या मैं कम्पीट कर सकती हूँ नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली हम जनरल क्राइटेरिया थोड़ा माइंड में लाएंगे जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उस पर काम कर चुके हैं, उस क्राइटेरिया को माइंड में लाऊंगी और मैं अपना इसको एक रफली एनालाइज करूंगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि
कि आपने एक फिल्टर लगाकर एक प्रोडक्ट निकाली, प्रोडक्ट निकालने के बाद उसको आपने मजीद वेरीफाई किया, तो वी आई जस्ट फाइंड द स्पेस इन द मार्केट कि हाँ इस प्रोडक्ट पर मुझे एक मार्जिन नजर आ रहा है कि विद विद प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, विद प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, मैं अपनी जगह इस प्रोडक्ट पर इस स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी जगह बना सकती हूँ। सो देर आर मैनी अदर कीवर्ड ऑप्शंस के एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स आपको आपको मिलते हैं। जब आप प्रोडक्ट रिसर्च के बाद कीवर्ड रिसर्च करेंगे, जब आपकी प्रोडक्ट एक सेलेक्ट हो जाएगी ना, फिर एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च होती है। उस कीवर्ड रिसर्च में हम लोग ये देखते हैं कि किस कीवर्ड का क्या पोटेंशियल है और उसके अकॉर्डिंग हम एक एक डिजाइन करते हैं स्ट्रेटेजी, और फिर हम उसके मुताबिक हम लोग अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट राइटिंग कर उसकी जो ऑप्टिमाइज उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड वे से उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग को राइट किया जाता है। तो उस सब चीजों में ख्याल रखा जाता है कि किस तरह हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, किस तरह से टाइटल लिखना है कि वो जो कीवर्ड है उसका एक प्रॉपर यूज हो सके और हम अपने कस्टमर के जब कस्टमर सर्च करे तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो रैंक हो सके। तो हमारी प्रोडक्ट को रैंक होने के लिए बहुत जरूरी है कि वो इन सब क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हो और प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो और हम लोग जो है वो कंपीट कर सकें। डेफिनेटली आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करेंगे, आपका मेन मकसद है कि वो सेल होनी चाहिए, मार्केट में उसकी डिमांड होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो सके, आपके अच्छे रेवेन्यू जनरेट हो सके। सो दैट वॉज द कम्प्लीट प्रोसेस बिगिन द कैटेगरीज, जो कि पहले हम लोगों ने हीलियम 10 में डिस्कस किया, अब मैंने वायरल लॉन्च में डिस्कस किया। दैट इज द मेजर प्रोसेस। आप इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, मजीद प्रोडक्ट आइडियाज पे काम करेंगे। एक बहुत आप लोगों के लिए एक चीज जो मैं आप लोगों को शेयर करूँ कि कोई भी इस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करवा रहा मार्केट में, जो जिस तरीके से मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च करवा रही हूँ, जिसमें आपको खपना कम पड़ता है। कोई भी आपको ये नहीं बता रहा मार्केट में कि प्रोडक्ट आइडियाज कैसे लेते हैं। Somehow I just share with you कि आप फिल्ट्रेशन के बाद एग्जैक्ट रिजल्ट पर जाते हैं। मैंने आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रिसर्च और बहुत ज्यादा रिसर्चेस में नहीं उलझाया, मैंने आप लोगों को ऐसे तरीके बताए हैं जिन तरीकों पर रिसर्च करने के बाद आप डायरेक्ट मार्केट को फाइंड करते हैं, डायरेक्ट अपनी स्पेस फाइंड करते हैं और उस स्पेस को जाके फिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड द होल्स इन द मार्केट, व्हेन यू विल फाइंड द होल इन द मार्केट जस्ट एंटर इन दैट होल with some unique values, with some innovation, with some co-creation, with some redesigning, ठीक है? So इन सब तरीकों से research के बाद आपके पास एक product आ जाएगी, उसको मजीद verify करें, फिर उसकी product के against keyword research होगा, फिर further आगे बहुत सारे process हैं, तो वो हम लोग discuss करेंगे। ये lecture और इससे next lecture हमारा viral launch पर होगा। इसमें हम लोगों ने वायरल लॉन्च की कैटेगरी को मजीद एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट में हम लोग वायरल लॉन्च के थ्रू मार्केट को मार्केट इंटेलिजेंस पे काम करेंगे। ठीक है, सो इन ये दो लेक्चर हमारे वायरल लॉन्च पे कंप्लीट प्रोडक्ट रिसर्च पे बात करेंगे, हीलियम 10 पे हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रोसेस आएगा कि हम लोग ये डिसाइड करें कि जो प्रोडक्ट हमने निकाली है कि क्या वो उसमें क्या क्या कैलकुलेशन हम लोगों ने करनी है और उसको फाइनल करना है। सो अभी तक का ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ चुका होगा। इसको मजीद आप डिग डाउन आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग करना है। प्रोसेस यही है, क्राइटेरिया यही है, आपने उसके ऊपर काम करना है और आपने अपने लिए अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करने के बाद उस पर काम करना है। दैट इज द मेजर प्रोसेस विद मेन क्राइटेरिया जो कि आपको फॉलो करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग वायरल लॉन्च पर मजीद रिसर्च करेंगे।